हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड आदि की प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रा की आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला कंपाउंड हम यहाँ पे लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड का एनएमआर स्पेक्ट्रा दिया गया है। इथाइल ब्रोमाइड को हम देखें तो यहाँ पे हमें इथाइल ब्रोमाइड में दो तरह के यहाँ पे प्रोटॉन्स दिखाई देते हैं, एक तो मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स और दूसरे हैं मैथिलीन ग्रुप के प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोटॉन्स होने के कारण हमें इथाइल ब्रोमाइड के एनएमआर स्पेक्ट्रा में दो तरह के सिग्नल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तीसरा सिग्नल यहाँ पे है टेट्रामेथिल सिलेन, जो कि रेफरेंस कंपाउंड के रूप में लिया जाता है, और इसका सिग्नल हमें 0 ppm पे एक सिंगल रेखा के रूप में या सिंगलेट के रूप में हमें दिखाई देता है। जो मैथिल समूह है, मैथिल समूह के एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या है 2 है, तो यहाँ पे क्योंकि एडजेसेंट प्रोटॉन्स के कारण मैथिल समूह के प्रोटॉन्स में यहाँ पे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हो जाएगी या स्पिन स्पिन कपलिंग हो जाएगी, तो स्पिन स्पिन कपलिंग होने के कारण यहाँ पे n+1 रूल के अकॉर्डिंग हमें मैथिल समूह का सिग्नल जो होगा वो 3 पीक्स के रूप में, मतलब ट्रिपलेट के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैथिल समूह का सिग्नल हमें ट्रिपलेट के रूप में दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 1.7 ppm पर। इसी तरह से हमें मैथिलीन समूह का सिग्नल एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या क्योंकि 3 है, इस कारण से 3+1=4, मतलब 4 पीक्स मतलब क्वार्टेट के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा 3.3 ppm पर। मैथिलीन समूह का जो सिग्नल होता है वो 3.3 ppm पे हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैथिलीन समूह से यहाँ पे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, जिसका कि जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, जिसके कारण जो मैथिल समूह के प्रोटॉन्स हैं उनका उनकी क्या हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है, और डी शील्डिंग होने के कारण जो डेल की वैल्यू होती है वो मैथिल समूह की तुलना में बढ़ जाती है, क्योंकि मैथिल समूह के प्रोटोनों की डी शील्डिंग होती है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से थोड़ा दूर है, इस कारण से क्या होगा, जो ब्रोमाइड एटम है उसका जो माइनस इफेक्ट होगा वो मैथिलीन की तुलना में मैथिल समूह ग्रुप के प्रोटॉन्स पर उसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और कम होने के कारण जो इसका स्पेक्ट्रा हमें होता है वो थोड़ा अप फील्ड की तरफ, मतलब डेल की वैल्यू 1.7 ppm की तरफ हमें इसका स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। दूसरे कंपाउंड की बात करें, दूसरा कंपाउंड यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का स्पेक्ट्रा दिया गया है। इथाइल अल्कोहल का स्पेक्ट्रा प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रा, अगर प्योर फॉर्म में इथाइल अल्कोहल का प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया जाए तो उस स्थिति में उसका स्पेक्ट्रा हमें इस तरह से प्राप्त होता है। प्रोटोन एनएमआर का इथाइल अल्कोहल का स्पेक्ट्रा हमें प्योर फॉर्म में जब हम लेते हैं तो उस स्थिति में हमें उसका जो स्पेक्ट्रा वो होता है लो टेम्परेचर पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और जहाँ यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेते हैं वो हम लेते हैं डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होता है, और इसका जो सॉल्वेंट इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस स्थिति में हमें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो सिग्नल होता है वो एक यहाँ पे हमें एक ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल को देखें तो इसमें हमें 3 तरह के प्रोटॉन्स दिखाई देते हैं, एक मैथिल समूह के प्रोटॉन्स, एक मैथिलीन समूह के प्रोटॉन्स, और तीसरे हैं हाइड्रोक्सिल समूह के प्रोटॉन्स। अब हम 1 by 1 देखते हैं। मैथिल समूह के एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या क्योंकि 2 है, तो कपलिंग के कारण यहाँ पे जो मैथिल समूह का मैथिल समूह का जो सिग्नल है वो 2+1 मतलब ट्रिपलेट के रूप में हमें प्राप्त होगा, और यहाँ पे ये 1.1 ppm पे हमें मैथिल समूह का सिग्नल हमें ट्रिपलेट के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह से हम मैथिलीन समूह की बात करें तो एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे मैथिल समूह के 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह का 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो टोटल यहाँ पे एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या हो गई 4, तो 4+1=5 मतलब पेंटेट के रूप में हमें इसका सिग्नल प्राप्त होगा,
तो यहाँ पे पेंटेट के रूप में मैथिलीन समूह का हमें सिग्नल 3.8 के आसपास यहाँ पे हमें इसका सिग्नल पेंटेट के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम हाइड्रोक्सिल समूह की प्रोटॉन की बात करें तो उसके एडजेसेंट क्योंकि दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग 2+1=3 ट्रिपलेट के रूप में हमें हाइड्रोक्सिल समूह का प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल समूह का हमें सिग्नल यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 4.5 ppm के आसपास। तो इस तरह से DMSO में इथाइल अल्कोहल का स्पेक्ट्रा लिया जाए प्योर फॉर्म में तो उस स्थिति में हमें उसका स्पेक्ट्रा यहाँ पे इस तरह का दिखाई देगा जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सिग्नल हमें ट्रिप्टेट के रूप में दिखाई देगा। अगर मान लीजिए हम इथाइल अल्कोहल का स्पेक्ट्रा हम लेते हैं जलीय विलयन में तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होता है जो इथाइल अल्कोहल है उसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रोटॉन्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में वो प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन कर देते हैं और ये प्रोटॉन रिएक्शन जो रिएक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है प्रोटॉन्स की कपलिंग नहीं हो पाती है और हमें प्रोटॉन्स की कपलिंग नहीं होने के कारण यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन का सिग्नल होता है वो हमें यहाँ पे एक सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब जलीय एथेनॉल की बात करते हैं या इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो उस स्थिति में उनका प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा इस तरह का दिखाई देगा क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है इस कारण से कपलिंग प्रोटॉन्स की कपलिंग नहीं होगी और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल जो प्रोटॉन है उसका जो सिग्नल है हमें यहाँ पे सिंगलेट के रूप में इस तरह से दिखाई देगा। साथ ही जो CH2 ग्रुप के प्रोटॉन्स है उसका सिग्नल भी हमें पेंटेट के रूप में प्राप्त नहीं होगी। किस रूप में प्राप्त हो रहा है यहाँ पे क्वार्टेट के रूप में क्योंकि यहाँ पे ये मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स के साथ तो कपलिंग कर रहा है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के इस प्रोटॉन के साथ में ये कपलिंग नहीं कर पा रहा है प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन के कारण। तो यहाँ पे मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स की कपलिंग के कारण जो स्पेक्ट्रा होगा वो N+1 रूल के अकॉर्डिंग 3+1=4 पीक्स में स्प्लिट होगा और हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रा यहाँ पे क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा जो कि इसका के रेशियो रहेगा 1:3:1। तो इस तरह से यहाँ पे एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन आपके इथाइल अल्कोहल के स्पेक्ट्रा के रूप में आ सकता है। तीसरे कंपाउंड की बात करें तो वो है यहाँ पर एसिटाइलडिहाइड। एसिटाइलडिहाइड का स्पेक्ट्रा हमें इस तरह से दिखाई देगा। एसिटाइलडिहाइड में यहाँ पे दो तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, एक CHO ग्रुप के प्रोटॉन्स और दूसरे हैं मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स। तो मैथिल ग्रुप की यहाँ पे बात करें तो मैथिल ग्रुप के एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या क्योंकि एक है तो यहाँ पे इसका सिग्नल 1+1 दो पीक के रूप में स्प्लिट हो जाएगा तो यहाँ पे डबलेट के रूप में इसका सिग्नल हमें प्राप्त होगा और ई डबलेट के रूप में 2.2 ppm पे हमें इसका सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। जबकि जो एल्डिहाइड ग्रुप है या CHO ग्रुप है इसका सिग्नल क्योंकि एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या यहाँ पे क्या है 3 तो 3+1=4 मतलब 4 पीक्स में इसका सिग्नल स्प्लिट हो जाएगा और एल्डिहाइड ग्रुप का सिग्नल हमें प्राप्त हो जाएगा क्वार्टेट के रूप में यहाँ पे 9.8 ppm पर। और इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के का प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त करके उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी स्ट्रक्चर का अनुमान हम लगा सकते हैं। थैंक यू।